ये है अपना हीरो नाइन, रशीद भाई से लिया था, एक नंबर परफॉर्म कर रहा है। मेरे को नाइन मतलब मैं सेवन और एट इतना इंप्रेस नहीं किया था, जो नाइन ने बहुत इंप्रेस किया है। मीडिया मोड बेहतर है या फिर माइक अडॉप्टर बेहतर है? गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। जस्ट फिनिश एडिटिंग अ व्लॉग। एक्चुअली प्लान किया था कि वीडियो एडिट करके फटक से अपन बाहर निकल जाएंगे राइड पे। देखो मेरा हेलमेट भी यहाँ पर रेडी पड़ा था, मैंने पूरा गोप्रो इंस्टॉल कर रखा था। देवू भाई के साथ जाने वाला था लेकिन देवू भाई का लास्ट मोमेंट में कॉल आया। एक्चुअली रात को मैसेज आ गया था, मैंने अभी देखा कि भाई मेरा एक इंपॉर्टेंट काम है आज, तो शायद अपन नहीं जा पाए। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस रन, प्रॉब्ली लोनावला या प्रॉब्ली इगतपुरी जाके अपन वापस आ जाते, बट वॉट एवर इट इज चलता है आज नहीं तो कल पर चले जाएंगे। यू वांट टू सी हाउ बेबी लुक्स मिल्क ड्रंक? दिस इज मिल्क ड्रंक। ये देखो फुल, उसने कितना पिया? 100 ml, वन शॉट में 70 ml पी लिया रवि। तुम दिस इज नॉट एक्चुअली स्लीपिंग, दिस इज जस्ट लाइक वेरी टायर्ड, आई हैड लॉट ऑफ दूध। ये देखो क्या हुआ उसका, वो देखो कितना गंदा स्क्रैच मारा इसने अपने आप को। व्हाट इज दिस का यू, योर ब्यूटीफुल फेस यू स्क्रैचिंग, कुछ लिटा दो यार। एक सेकंड कवर के आउट। तो आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन हमने डिसाइड किया है कि जो मेरा नया घर है उसमें हम कैसा फर्नीचर वर्ड सब करने वाले हैं। तो आज से एक्चुअली काम शुरू हो गया है, आज से बेसिक काम है, कल परसों से और थोड़ा काम होगा, एंड बाद में मैं और शानिस फिर जाएंगे आईकिया और थोड़ा बहुत फर्नीचर लाएंगे, बिकॉज उसमें बहुत अलग घर बन रहा है वो, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस हाउस। इट इज नॉट लाइक वी आर गोना स्टे देयर, वी गोना स्टे हियर एंड वी गोना स्टे देयर, मतलब दोनों जगह रहने वाले हम लोग। वो तो जब बन जाएगा तब आप देख लोगे। लास्ट फ्यू मंथ से मुझे बहुत कुछ सिखाया, अगर आपको जिंदगी में किधर भी रहना है तो प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना प्लानिंग के बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ आपके प्लानिंग और डिसीजन पर चलता है। डिसीजन से याद आया, आपने सुना होगा इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टैक्स क्रिप्टो करेंसी एट 30%, मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। याद है जब मैंने एयरपोर्ट पर लैंड किया था और मैं मम्मी को ये बोल रहा था कि 30% टैक्स लग गया क्रिप्टो पे, तो मम्मी ने बोला 30%? तो इनिशियली आई एम प्रीटी श्योर हम सब लोग बहुत वरीड हो गए रहेंगे अगर 30% टैक्स लग गया, बट आई वॉन्ट टू लुक एट दिस इन अ पॉजिटिव वे, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग उसको पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव नोट यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को रिकग्नाइज किया है, तो आप इसको एक क्लैरिफिकेशन तरह देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिकग्निशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने मेंशन की, टू फॉर्मिंग इट्स ओन डिजिटल रूपी, क्योंकि सोचा जाए तो इन्वेस्टर्स और नॉन इन्वेस्टर को अकस्टम्ड कर देगा वर्चुअल करेंसी के लिए। वैसे भी देखो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, जो भी करेंसी हम यूज करते हो डिजिटली यूज करते हैं। मैंने कनाडा में मैं कुछ 5 महीना रहा, उसमें मैंने हार्डली नोट एक्चुअल रुपीस डॉलर्स का इस्तेमाल किया था, सब कुछ डिजिटली। मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन कैशलेस बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है, और सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में कैशलेस अभी चालू हो गया। ज्यादा करके आपके पास डिजिटल पेमेंट ऐप होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा। मोटा मोटा वी आर ऑल अकस्टम टू वर्चुअल करेंसी। गवर्नमेंट के नजरिए से देखो तो गवर्नमेंट हैज कम लॉन्ग वे इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिप्टो करेंसी, विच सजेस्ट द न्यू एरा ऑफ ग्रोथ एंड इनोवेशन फॉर अ नेशन, विच इज ग्रेट बिकॉज इट सजेस्ट क्रिप्टो इज हियर टू स्टे एंड इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी स्मार्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। आई यूज CoinDCX, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा। CoinDCX में 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। इट इज इंडियाज सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इट मेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग इजी फॉर बोथ न्यू एंड एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। क्या कर रही है अभी? ताई आएगी मालिश करेगी। आता आज ये नार तुला मालिश दे नार, फिर तू जो अपना संध्या काली उठ नार। हो दैट वाज गुड शानिस। कळला का नाही कळला तुला? मजा कळला? मजा कळला? मला कळला कळला। CoinDCX clarified the crypto market is not a one-time money-making plan. It advises you to do your own research on crypto and provides a free learning platform called DCX Learn, where you can learn about cryptocurrency, blockchain and many more crypto-related topics. और अभी तक आपने CoinDCX download नहीं किया है तो download करके sign up कर सकते हो मेरा coupon code use करके Nikhil100, जहाँ पर आपको 100 रुपीस के sample Bitcoin मिलेंगे, जिसको आप of course use कर सकते हो। There'll be link in the description box below. Invest on CoinDCX क्योंकि future यही है। गाई को देखो अभी एकदम यूज्ड टू हो गई है मालिश। शायद दिस इज एग्जैक्टली शी इज लुकिंग लाइक यू। आई नो, यू नो व्हेन यू आर ग्रम्पी एंड यू आर लाइक स्लीपी, प्लीज लेट मी स्लीप कर, एकदम वैसी जो करने करो मुझे सोने दो। अभी देखो हमारे घर में प्रॉपर मुंह दिखाई हो गई है, लेकिन शानिस के घर पे अभी शानिस का और स्काई का जाना हुआ नहीं है, तो कभी हो रहा है। मैं शायद उनको कल छोड़ के आऊंगा एंड देन प्रॉब्ली एक दिन वहां पर रहेगी, संडे वापस तो मुझे एक दिन ऐसा मिलेगा अकेला रहने का, और नानी से भी मिलाना है। नानी से मिलाना है, सब करना है। मैंने बोला कितना अच्छा लगेगा शानिस की नानी, शानिस की मम्मी, शानिस और स्काई, 4 जनरेशन एक साथ बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा। शानिस बोलती तू जैसा रहता रहे,
अभी अपने घर में तो सूट पहन के आया, मतलब सूट तो सब अभी टाइट हो गया, यहाँ से पूरा टाइट है, मेरा प्रॉब्लम फिट होगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ एक सूट कलेक्ट करने के लिए और बाहर निकल ही रहा हूँ और अपना GoPro Hero 10 भी लेके आएंगे। मतलब चप्पल पहन के मत दो, देखो अपन ने क्या ड्रेसिंग मारी है, ट्रैक पैंट, शूज, टी शर्ट और ये शर्ट ऐसा एकदम, ताकि अपना टाइम से बचे हम और अब स्कूटर चला के जाए। तो भाई बड़े दिनों बाद आज अपना लंबा राइड होने वाला है, राइट नाउ इट्स 1:45 इन द आफ्टरनून। अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं टाउन, शिद भाई के पास बैग जो, वहाँ से कैमरा उठा के मेरे को जाने का, कार से शायद जाऊंगा अंधेरी और फिर आऊंगा पवन, पूरा एक लंबा सर्किट लगने वाला अपना। पहले तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे करता था बट इतने दिन बाद करने में और अच्छा वेदर थोड़ा साथ दे रहा है, तो मेरी एक आदत जो है वो ख़राब हुई है टोरंटो में, कनाडा में ड्राइव करके, कि जब मैं यहाँ भी बाइक चला रहा हूँ ना तो ऑफकोर्स अपने अंदर वो मसल मेमोरी तो है कि ऐसे तो चलाने का, बट मैं लेफ्ट और राइट ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग। अभी पता क्या हुआ, ऐसा ट्रक जा रहा था, तो पता है ट्रक को गार्बेज कलेक्ट करते हैं, लीव कलेक्ट करते हैं, उसकी एक थैली गिरी सामने आई और माँ का मतलब डॉच मार के निकला, मतलब मैं गिर जाता उधर, तो हालांकि मेरे पीछे कोई था नहीं, अगर गिरता भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत हाथ पैर में लगता, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। आपने देखा होगा मुंबई में मेट्रो चलती है और ये जो है ये मेट्रो नहीं है, इसको बोलते हैं मोनोरेल, ऐसा मैंने सुना है, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि मोनोरेल एक काइंड ऑफ ए फेल प्रोजेक्ट था, ज़्यादा चला नहीं या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए ज़्यादा ये दिखता नहीं है। मतलब आई वुड लव टू ट्रैवल ऑन मोनोरेल, मैंने तो अभी तो मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया, चलती है वैसे, ऐसे नहीं चलती है, चलती है एक दो बार दिख जाती है बट अभी नहीं दिख रही। तब धूप के नीचे चलाओ गर्मी लगती है, शेड के नीचे आ जाना मस्त ठंडा ठंडा फील होता है। कसम यहाँ पर मर्सिडीज मेबैक कौन ले गया, फंस गया बेचारा, फंस गया है कि पार्क्ड है मुझे नहीं पता, अब तक कोई बड़ा आदमी आया भाई। वाओ दिस कार इज लॉन्ग मैन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार, बेस्ट चीज है स्कूटर का, किधर से भी निकालो कुछ भी करो वहाँ से सारी गाड़ियाँ यू टर्न मार के जा रही है और अपन मां स्कूटर लेके घुस गया इधर भाई। तो गाइस मेरे कनाडा जाने के पहले वैसे मुंबई तो खुल ही गया था, काइंड ऑफ लॉकडाउन खुल गया था मेरा बोलने का मतलब है, लेकिन अभी यू नो कोविड का सी तक देखने को या सुनने को मिलता नहीं है, मुंबई इज लाइक बैक टू नॉर्मल आई हैव टू से। लोगों ने मास्क पहना है लेकिन बस उतना ही है और कुछ नहीं है, यू नो ब्रिटिश अगर मैं मॉल वॉल में जाऊँगा तो कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, बट देन यहाँ तो लोकली कुछ नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, कबड्डी 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 हो रहा है, तो सी दिस इज द रीजन आई लव माई स्कूटर। क्या बोलते रशीद सेठ, मैंने क्या बोला था, एक दिन सोशल मीडिया बढ़ेगा और तुम करोड़पति बनोगे। हाँ, पापड़ हो गया पूरा पीछे का। यहाँ पर आके ना पता नहीं दिल खुश हो जाता है रशीद भाई, पता नहीं अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, और कितना कुछ आ गया आजकल, वो देखो A7 क्या है 4 का, और बहुत लोग बोल रहे हैं लो भाई मेरा वाला जो A7S3 है वो बेटर है इससे, ये फोटोग्राफी के लिए, अपना वीडियोग्राफी के लिए। चलो भाई, ओहो जन्नत जा रहे, जन्नत। आपको पता है यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स का पूरा भंडार है, हमारे पास भी ट्राइपॉड के ऊपर फोन माउंट है, लेकिन शान से बोला अच्छा वाला लेके आना, रशीद को बोला बताओ ये वाला, ये चीज ये डालेंगे अभी, ये नॉर्मल ऐसे फिट हो जाता है ना, अरे आइए ठीक है सर, अच्छा इसमें, चलो ये सही हो गया, सेट हो गया, टेढ़ा करना पड़ता था पहले ट्राइपॉड। ये है अपना हीरो 9, रशीद भाई से लिया था, एक नंबर परफॉर्म कर रहा है मेरे को 9, मतलब मैं 7 और 8 इतना इंप्रेस नहीं किया था, जो 9 ने बहुत इंप्रेस किया है। रशीद भाई बोले 10 अच्छा है, मुझे 10 अपग्रेड नहीं करना था, बट रशीद भाई ने तारीफ की तो लेना पड़ेगा और वो दूसरे हेलमेट के लिए रहेगा। ये हेलमेट का सेटअप यही रहेगा, प्रॉब्ली सिटी में यूज करूंगा। मीडिया मोड बेहतर है या फिर माइक अडैप्टर बेहतर है, मुझे पूछोगे तो माइक अडैप्टर बेटर है, सही है ना। हाँ, मैं वही सजेस्ट करूं, लेकिन अगर कोई बंदा है जो सिर्फ GoPro से व्लॉग करता है और ऐसा करता है, उसके लिए मीडिया मोड अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब मीडिया मोड चालू करते हो ना तो ऑडियो कैप्चर नहीं होता, बहुत बार ग्लिच होता है। व्लॉगिंग के लिए बेस्ट यही है, बेस्ट, और ये हल्का है ना, मीडियम मोड हैवी हो जाता है। सही। दो चीज ले रहा हूँ, एक तो ये GoPro Hero 10, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ये जिसको पता है क्या है उसको पता है, अपन इसको बाजू में रखेंगे, ये भी अपने काम में कभी कभी आएगा, मेरे काम में नहीं आएगा लेकिन कुछ कुछ जो काम करता है उसमें आएगा, मैं किसी और के लिए ले रहा हूँ। और ये हीरो 10 तो मुझे लगा था इसके लिए अलग केस लो, तामझाम करो, बट रशीद भाई बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, ये सेम जो कैमरा है वो इसके अंदर जाता है, ये 9 का पूरा केस है, देखो अलग से केस रहता है, मैंने तो पूरा उसको सील वील किया है, तो जाएगा पक्का, किसकी जरूरत नहीं है। अरे बढ़िया हो गया फिर तो बाय। हाँ, माल अच्छा खासा ले लिया है, इंटरेस्टिंग है, आपको घर पहुँच के बताता हूँ दो चार चीज़ क्या लिया। चलो, ये मेरा नहीं है ना, किसी और का गिरा है, मैंने बोला मेरा तो नहीं, मज़ा आती है जब भी यहाँ आता हूँ, कंप्लीट सा फील होता है, अगर मुंबई आया कि यहाँ पर नहीं आया भाई तो कैसे चलेगा। लेकिन एक अच्छा बात हो गया कि 10 अभी 9 के केस में भी जाता है, ये फिलहाल 9 ही है, 10 नहीं है, अब हम गोना आराम से इंस्टॉल इन द अदर। चीज़ मेरे स्कूटर में मिसिंग है वो है फोन माउंट, अगर फोन माउंट होता ना अच्छा, बिकॉज अभी मुझे जाना है कार और ये बता रहा है 1 घंटा 15 मिनट भाई साहब 17 किलोमीटर के लिए बैक टू रियलिटी, लेकिन अभी अगर फोन माउंट होता तो मैं अच्छे से फॉलो कर पाता गली गली से, बिकॉज मैंने मोबाइल रूट डाला है। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आया नहीं, चमत्कार कैसे हुआ, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर कैसे रुकी हुई है,
टेक्निकली आगे रुकना चाहिए पता नहीं भाई, ऐसा चमत्कार देखने को मिलता नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के भी पहले एकदम ईमानदारी से लोग रुके हैं एंड आई डिडंट सी एनी कैमरास सो या एंड नो कॉप्स आल्सो। और हमारे फेवरेट बैंड पहुंच गए जैक ए जोन्स और विराज भाई ने सब काम छोड़ के सेकंड न्यूज़ पे लग गए दादा चस चुके बाहर आ ही गए हैं कार में है ही तो भाई थोड़ा सेब पूरी भेलपूरी खा के जाया जाए क्या बोलते विराज भाई, इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। ये आ गई हमारी सेब पूरी, देख के मुँह में पानी आया, मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान पिछवाड़ेगा तो हालत खराब हो गई भैया, कम से कम 80 किलोमीटर चलाया रहेगा मैंने इतनी ट्रैफिक में, बड़ा दुख है भाई बड़ा दुख है। तो वह शादी हो गई वरना फिर मेरे से शादी नहीं कर पाता तेरे से मैं मैं बोलता वेडिंग कैंसिल भाई, मेरे से मला डाला नहीं होगा। थैंक यू ऊपर वाले, तूने मुझे बुद्धि दी और मैंने शानिस को प्रपोज किया। वेडिंग कैंसिल है तो तब के तभी शादी कर लेता एक दिन में। मुंह से निकल गई भैया, आज मैं अपना दो काम निपटाऊंगा, एक मुंबई के इस कोने में दूसरा इस कोने में और मेरा घर है इस कोने में। बाप रे बाप, बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्यों शादी हो गई भैया, शादी हो गई, काम खत्म करके मलाड आना पड़ता है, मलाड आता बैठता और शायद बोलती क्या हुआ निखिल लाके नहीं आया, और मैं देखता लाके नहीं आया इतना जो 50-60 किलोमीटर चला के ट्रैफिक में बाइक आया। झूठ मत बोला, सुन आया नहीं है कभी ना, झूठ। आई डोंट नीड अ शावर मैन, आई एम मेरी बीवी बनने के बाद सब पता चल गया, मतलब नहाता वाता है नहीं। आई टुक शावर लास्ट नाइट बिफोर स्लीपिंग, लास्ट नाइट तो काउंट है वो काउंट होता है। ये अपना आ गया GoPro Hero 10 जिसको शाइनेस अनबॉक्स करेगी ना, क्या बैड आईफोन अनबॉक्स किया है ना वैसा ही है ये। कोई मेकअप का सब सामान दे दो एकदम कॉम्प्लिकेटेड जो अपने पल्ले ना पड़े वो खोल देगी, और ये ऐसा बॉक्स है इसके अंदर GoPro Hero 10। टाइम हो गया ये सब खोल के, मुझे पता भी नहीं याद भी नहीं कैसे खोलते। ओके समझ में आ गया, जाम हो गया था पूरा बिकॉज मैंने कभी निकाला ही नहीं है, तो जो केस में डाल के कभी कैमरा ही नहीं निकाला मैंने। ओ हो कैमरे की हालत देखो अंदर से, और मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ रहे कि नहीं बट दिस इज द कंडीशन। तो जो डालने के बाद कभी नहीं निकाला, आज फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ। 010 दिस इज 09 ऐप से तो कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विजुअली दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो इसके लिए रशीद भाई ने बोला ये केस में जाएगा, तो अभी केस में डाल के देखता हूँ जाता भी है कि नहीं जाता है। ओ यार परफेक्टली फिट हो गया यार, एक नंबर। इसका बैटरी का कंपार्टमेंट निकालना पड़ेगा तभी जाके माइक अडैप्टर फिट होता है। ये थोड़ा मुझे तामझाम लगता है क्योंकि मैंने नाखून बहुत छोटे कर लिए, पर नाखून बड़े थे तो आसानी से कोई भी चीज़ निकाल लेता था। तो बेसिकली ये है, इसको डिटैच करना है तभी जाके ये इसमें अच्छे से घुस पाएगा और अपन इसका माइक अडैप्टर जो है वो लगा पाएंगे। ओ वाओ इट्स अ परफेक्ट फिट मैन, एग्जैक्टली परफेक्ट तक जो हेलमेट में माइक यूज़ करता आ रहा वो ये छोटा सा माइक है, बहुत ही कमाल का माइक है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, मेरा वाइजर ठीक से बंद नहीं होता जिसकी वजह से हवा अंदर आती है। तो मैंने इस बार थोड़ा खर्चा किया है, अभी इतना खर्चा कर रहा हूँ तो मैंने रोड का लैब प्लस माइक काइंड ऑफ यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट माइक है विद द अडैप्टर ऑर्डर किया। इतना अच्छा हेलमेट है, मैंने बोला एक अच्छा सेटअप बना के रख देता हूँ, भले अपन साल में एक बार यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन फिर भी एक अच्छा सेटअप रहेगा तो क्या है वो साल में एक बार वाला जब बनाएंगे तो एकदम अच्छा बनाएंगे, A1 क्वालिटी को। वीडियो एक A1 नहीं तो ऑडियो भी A1 होनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, तो पूरा सेटअप कर चुका है मैंने, दिस इज GoPro Hero 10, दिस इज माई न्यू हेलमेट, आई एम टेलिंग यू इट इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली लाइट। मैं दिखाऊंगा नहीं फोटो जिससे दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम जब भी किधर भी राइड पे जाऊंगा नॉट ऑन द एक्सेस ऑन द BMW भले शॉर्ट हो तब अपन दिखाएंगे बिकॉज ये आई थिंक उस पर ही सूट होगा। तो ये वाला जो ट्रांसपेरेंट वाइजर था मैंने निकाल दिया और अभी देखो हेलमेट कैसा लग रहा है डार्क वाइजर के साथ, एक नंबर कमाल लग रहा है ना गाइस, माय गॉड लाइक दिस इज लुकिंग सो डोप मैन, माय गॉड सो क्लासी इट्स लुकिंग। एनीवेज गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर, अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दबाओ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑल्सो। सो विद दैट सेड इज ऑलवेज शुक्रान अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, एडियोस अमिको शपके, टेक केयर, बाय बाय।